गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर वाइबिंग। तो आज हम लोग का गुवाहाटी का सीन ख़त्म हो चुका है और हम लोग गुवाहाटी से अब निकलने वाले हैं। तो गुवाहाटी का ब्रीफ मैं आप लोगों को दे दूंगा कि कितने दिन लेके आओ अगर सब कुछ घूमना है, और हम लोग ने क्या क्या घूमा और यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या लगा मुझे, बाकी मतलब इसी वीडियो के दौरान दे दूंगा। बाकी अभी हम लोग निकलने वाले हैं डॉकी के लिए, और वहाँ पर एक और विलेज है, मॉनसिंग लुंग या समथिंग है, वो आप लोगों को क्लियरली मैं नाम आप लोगों को बता दूंगा। तो वो है इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज, तो वो भी देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम लोग आज इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। तो ये तीन चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ से हम लोगों को टाइम लगेगा 6 घंटे का डॉकी जाने में। तो बाय बाय टू गुवाहाटी। सही मौसम हो रखा है यहाँ पे, रोज़ रात में बारिश होती है और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही यहाँ पे इतना बढ़िया मौसम। चलें? हाँ बस को आने दो। गुड बाय टू गुवाहाटी। हाँ बड़े में और बच गए शाम के 6:30। आप लोगों को मौसम देख के लग ही रहा होगा कि यहाँ पे 6:30 बज चुके हैं। नहीं हिम्मत रखिए, ये दोपहर का ही टाइम है, ये गुवाहाटी है जनाब, आप गुवाहाटी में। हाँ जी, चलो एग्जिट टू डॉकी। आ गई। हेलो, चलो जाओ। पहले मैं एंटर करने के लिए हम लोगों को चाहिए ई पास, उसका काम हो चुका है। हमारे ड्राइवर साहब पी रहे हैं चाय, तब तक यहाँ का थोड़ा सा रोड दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत तगड़ा व्यू है। ये फोटो तो चल ही रही है, इसकी तो चलती रहती है, इसका टैलेंट ही वही है, तो ये अपना लगा रहता है। बाकी व्यू देखते हैं। रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए अपना, सुबह के 10 बज रहे हैं। पहले यहाँ पे तो ज़रूरी है सबकी फ़ोटोशूट, तो फ़ोटोशूट हो चुका है, और ये इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़, ये इस बात को देख लें, यहाँ प्रोहिबिटेड है, यहाँ कोई करेगा नहीं, और सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं, देसी ठर्रा तो बिल्कुल नहीं। ऑसम वंस ऑल बिजी विद देयर फोटोशूट्स। नाइस इंटीरियर, वी आर लुकिंग फॉर। चलो आओ। इतनी बड़ा बनाया है यार, छोटा लग रहा था बाहर, लेकिन वहाँ की चेयर ज़्यादा अच्छी थी। अरे आराम, ये मिल गई 8 लोगों के लिए। लोग जनरली टॉयलेट नहीं जाते हैं, वहाँ अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ काफ़ी अच्छा सा सीन हो रखा है, टॉयलेट वगैरह भी काफ़ी सही सा बना रखा है। तो ये पूरा वॉशिंग एरिया, आई डोंट थिंक यहाँ पे टॉयलेट है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, मतलब मज़ा आ रही है यहाँ पे, कसम से बता रहा हूँ, एकदम मज़ा। लेट्स हैव सम वॉक। डेकोरेटिव पार्ट यहाँ पे जाना है। इट्स रेनिंग टू, यहाँ पे कहीं भी आपको जाना है तो बारिश होती है, थोड़ा सा भीगी, बारिश में भीगते हुए इस होटल का मज़ा लेते हुए थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट का इंतज़ार हो रहा है, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, वहाँ का रिव्यू बताते हैं। ऑर्डर करी थी वेजिटेबल वाली तो नहीं, तो इसने ऑर्डर करी थी चीज़ी ग्रिल्ड सैंडविचेस, और मेरी है वेजिटेबल ग्रिल्ड सैंडविचेस। फ्रेंच फ्राइज़ इनके कॉम्प्लीमेंट्री है, वेजिटेबल इन्होंने अलग से भी दी है, और एक भी स्पेशल चटनी जिसका कॉम्बिनेशन मैंने आज तक चेक नहीं किया, करके रिव्यू दिखाता हूँ। इनकी चटनी का टेस्ट अलग है, वो वाली है डोसे वाली नहीं, वो मेयोनीज वाली है, जैसे नहीं बर्गर वगैरह हम लगा रहे हैं। बढ़िया चिली चीज़ भी चिली नहीं है यहाँ के, सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, सारी डिशेस बहुत अच्छी है। जीवा वेज ना,
जगह कौन सी है? जीवा बीच मतलब पढ़ सकती है आपको जरूरत अगर आप यहाँ का ज़्यादा ही पसंद करो। फाइनली आखिरी बाइट है, पूरा आनंद लेंगे इस बाइट का। वो खड़े हुए चलो चलो जल्दी 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 भागो जल्दी भागो तेज हो गई वापस चलो वापस चलो। मिला है जब हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ, तो ये है उमांग लेक और ये बहुत ही बड़ा लेक है। करीब 1.5 किलोमीटर पहले से ये चलता हुआ आ रहा है और ये भैया की बदौलत हम लोगों को मिला है। लोग जब से निकले हुए अभी बचा हमारे पास 2.5 घंटा हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के। लेकिन भैया ने भी एक बात हम लोगों को बताई है कि हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे फॉग, और फॉग के बीच से हम लोग जाने वाले हैं। फॉग भी क्या क्लाउड कह सकते हैं उसको। काफ़ी हाइट पे हम लोग 8000 तक की हाइट पे जाने वाले हैं, 8000 की हाइट पे। तो लेट्स सी, चेकआउट करते हैं। बारिश रुकती है तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर दिखेगा, वरना दिख तो रही है। एंटरिंग इनटू न्यू फेस, यहाँ से हम लोगों को शायद पहाड़ मिलने वाला है। यहाँ से लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते होंगे ना बादलों के ऊपर। और यहाँ से चालू होने वाला बोला रास्ता जिसमें लोगों को मिलेगा बहुत, और कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। जी हाँ, वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स, आसमान नीचे। चलने के लिए तैयार है? चलो आने। व्लॉग्स थोड़े से बड़े हो रहे हैं, थोड़े से बोरिंग हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ का यही व्यू है। हम लोग इस टाइम पूरे बादलों से घिर चुके हैं, रोड का भी अता पता नहीं है, बस चल रहा है हम लोग। कितनी हाइट पे हम लोग गैस करो? 2000? नो, इट्स 8000 फीट। या 8000? या नाल हुई वो। इस टाइम पड़ा एक दीप व्यू पॉइंट, ये देखो जिनको जाड़ा लगने लगा। अभी मैं कर रहा हूँ एक प्रॉपर व्यू की खोज, जहाँ से आप लोगों को कुछ अच्छी सी चीज़ दिखा सकूँ। एक मिला है, लेट्स सी। तो ये आप लोगों के लिए लाए हम व्यू पॉइंट। एक बार गौर से देख लीजिए ये व्यू पूरा। आगे चलते हैं अब, ठीक है? आगे से कवर करते हैं इसको। लेट्स कवर दिस ऑल। हटो भाई, ये व्यू है पूरा। वो बादल हैं जिनके ऊपर हम लोग हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है साहब। क्या करना है, ये सब आईफोन का कमाल है। कैन यू ऑल सी दिस? ये जो सारे पत्थर हैं जा रहे हैं बांग्लादेश। ये पूरा लाइमस्टोन है, इतने ट्रक्स। और वो जो ट्रक्स आप लोगों ने पहले देखे वो वहाँ से वापस आ रहे थे। सारे पत्थरों के साथ हम लोग भी जा रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर। वो अंदर तक जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा बाहर रह जाएंगे। छुप के जाना चाहे तो जा सकते हैं पत्थरों के बीच में। अब बांग्लादेश दिखाते हैं आप लोगों को। वो है पूरा बांग्लादेश। पूरी 1.5 घंटे की मेहनत के बाद, जो कि रास्ता सिर्फ 5 किलोमीटर का था, लेकिन हम लोग को 1.5 घंटे लग गए, हम लोग फाइनली आ चुके हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और दिखाते हैं। ये आ रहे हैं सारे ट्रक बांग्लादेश से,
बांग्लादेश का ऑर्डर, ये अपना तिरंगा और ये बांग्लादेश का बॉर्डर, ये आप लोग को दिखा। इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं, ये है 1275 इंडिया, तो इसके आगे जाना मना है। इसके बाद से बांग्लादेश लग जाएगा। अभी वो बांग्लादेश जाना है, बांग्लादेश होके आना है क्या? जल्दी जाओ, होके आ जाओ, छू के आ जाओ, बस। कैसी रही तुम्हारी इंटरनेशनल ट्रिप? ये देखो, ये बांग्लादेश होके आ रही, फॉरेन रिटर्न हो जाओ, फॉरेन से इधर आ जाओ, फॉरेन रिटर्न हो जाओ। फॉरेन इंटरनेशनल ट्रिप फिर कैसा रहा? फॉरेन से फॉरेन रिटर्न हो गए, फॉरेन रिटर्न तो पता तक नहीं चला। तो काफ़ी मेहनत हम लोगों ने की है यहाँ तक आते थे, और यहाँ का रास्ता बहुत गंदा है। हाँ तुम बोल लो पहले, ये कर लो पहले। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया था, ये इंडिया का झंडा है, तिरंगा अपना, और ये कुछ ही दूर पे ये है बांग्लादेश का झंडा, बहुत बड़ा है। पहला फॉल है हम लोगों का ये, हम लोग को फॉल्स ही फॉल्स देखने हैं आपके बाद से। दूसरा फॉल, अच्छा आगे रुको, आगे रुको, थोड़ा सा चलो भाई, आगे रुको, यहाँ तक पानी आ रहा है इसका, चलने दो, चलो बाय बाय बाय।